मध्य प्रदेश में मौसम फिर बदल गया है। शनिवार को जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं सिडनी जिले के लखनादौन विकासखंड में शनिवार की देर रात्रि से मौसम बनने लगे और सुबह देर तड़के लगभग 4 बजे लखनादौन में तेज हवाओं के साथ पानी व कंचे बराबर के ओले गिरे। बताया गया कि लखनादौन सहित घनसोल के दर्जनों गांव में लगभग 15 से 20 मिनट तक पानी के साथ गिरे ओले ने किसानों के खेत में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने से किसानों के खेत में खड़ी गेहूं, चना, मसूर, सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा ही मौसम अगले 3 दिन तक रहेगा। रविवार को जबलपुर, नर्मदापुरम में हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। 14 फरवरी से फिर ठंड का दौर शुरू होगा। रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तरी हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटे में कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। रात के टेम्परेचर में भी गिरावट देखी गई। अभी दक्षिणी गुजरात के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, वहीं ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसका असर भी मध्य प्रदेश पर पड़ा है। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। ट्रफ लाइन की वजह से दक्षिणी पूर्वी हवाएं स्ट्रांग रहेंगी। नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल संभाग में कहीं कहीं बौछारें गिर सकती हैं। तेज हवा चलने का भी अनुमान है। 12 फरवरी को शहडोल और जबलपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवा चलने का अनुमान भी है। 13 फरवरी को सिस्टम कमजोर हो जाएगा, लेकिन रीवा और सागर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।